काफ़ी सारे दोस्त जो पुराने वर्कर्स हैं एग्रीकल्चर में, वो ये जानते हैं जब ये कॉमन ज़ीब्रा फिंच पाकिस्तान आई थी तो इसके इनके क्या रेट्स थे। उसके बाद जब जैसे ही एग्जीबिशन ज़ीब्रा आई जिसमें यूरोपियन, डच और इसके अलावा यूके ब्लडेड, चाहे वो बहरीन से आई या शायद चाहे वो यूरोप से खुद आई, तो फिर एक बूम आया, एक वक्त आया एग्जीबिशन ज़ीब्रास का, और जिसमें यूके की और डच आउटक्रॉस बर्ड्स का बूम आया। इसी तरह से अब लेडी गोल्डियंस की बारी है। व्यूअर्स जी, व्यूअर्स, तो मैं अब्दुल बासित आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी कमेंट्स और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। जी व्यूअर्स, तो आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एक चैम्पियन ब्रीडर की जो कि स्पेन से है, आयवन वीरा, लेडी गोल्डियन, मोर देन अ डेकेड जो कि ब्रीडिंग करा रहा है, मोर डेकेड से भी ज़्यादा। तो व्यूअर्स, आउटस्टैंडिंग ब्रीडर है लेडी गोल्डियन का, और ही इज़ वेल नोन फॉर हिज क्वालिटी लेडी गोल्डियंस, एंड यू गाइस कैन सी हिज ब्रीडिंग सेटअप, हाउ ही हैज़ ऑर्गेनाइज हिज ब्रीडिंग केजेस एंड हिज ब्रीडिंग पेयर्स ऑफ लेडी गोल्डियंस। एज ऑल यू कैन सी ही हैज़ डिफरेंट म्यूटेशंस इन द कॉमन ग्रीन्स, द ब्लूज एंड द क्लासिक कलर्स। ही हैव वेरी गुड पेडिग्री ऑफ लेडी गोल्डियंस लाइक अदर स्पेनिश गाइस। ही हैज द एजल्स एज वेल, ही हैज गेट द ब्लूज एंड इन वेरी गुड शेप्स, साइजेस एंड फीचर्स। व्यूअर्स, अब बात करते हैं हम लोग गोल्डियंस जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और उनकी क्या करंट मार्केट और कंडीशन है। व्यूअर्स, जैसे कि एक ज़माना था, मैं उसको फोरकास्ट कर रहा हूँ लेडी गोल्डियन को, जब एक ज़माना था और कॉमन ज़ीब्रा फेंचेस जिसमें यीमो और डिफरेंट म्यूटेशंस लोगों ने ब्लैक चीक्स एग्जैक्ट्रा जब ब्रीड पे लगाए थे, तो उसके बाद उसका एक बड़ा बूम आया था। व्यूअर्स, आप इसके देख सकते हैं मोल्ड कर रहे हैं बर्ड्स, तो बड़ा बूम आया था एंड देन आहिस्ता 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 उसकी मार्केट डाउन हुई विद पैसेज ऑफ टाइम, और उसमें नई चीज़ें आती गई आती गई आती गई। कॉमन लेडी गोल्डियंस या लेडी गोल्डियंस जिसमें पाकिस्तान में कॉमन ग्रीन हो गई, लुटीनो हो गई, कुछ सिल्वर्स, ब्लूज एंड एग्जेक्ट्रा, लोगों ने ताइवान ब्लडेड लेडी गोल्डियंस पाली और रखी। और अब मैं देख रहा हूँ कि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा, और ख़ासतौर पर इस क्वारंटाइन पीरियड में, लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, आई नो मैनी ऑफ द ब्रीडर्स हियर इन पाकिस्तान, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है लेडी गोल्डियंस पे और कमर्शियल ब्रीडिंग पे वो जा रहे हैं। बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वन थिंग कि सिर्फ वो क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, नॉट द क्वालिटी। और इसी तरह से मैं बात करूँगा कि जैसे ही एग्जीबिशन ये लेडी गोल्डियंस यहाँ इम्पोर्ट होंगी, जो कि आज तक नहीं हुई, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा चलूँ, यहाँ पर एग्जीबिशन लेडी गोल्डियंस नहीं आई फ्रॉम पास्ट टू डेकेड्स। कोई भी एग्जॉटिक कॉर्ड बर्ड यूरोप से पाकिस्तान नहीं आया, सिर्फ ज़ीब्राज आई जिसमें जो है पेंगुइन्स थे, जिसमें फ्लोरिडास थी और ऑरेंजेस की कुछ म्यूटेशंस थी, आउटसोर्स हुई बहरीन से भी, बट Not the exhibition size birds of exotic cord। तो ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, इनके साइजेस देखें, ये आप आउटस्टैंडिंग बर्ड, आप इसको देखें ज़रा इस आयवन वीरा के। तो जैसे कि डच इनकी आइज़ भी पंच करी, हेड स्ट्रक्चर बड़ा करा, बीक्स छोटी करी, बॉडी इनकी स्लांट करी, इनके क्रॉप्स का साइज़ देखें, जैसे कि मुझे डच बर्ड ही लग रहा है, ये डच ज़ीब्रा की तरह ही लग रहा है। बट द थिंग इज़ they have worked so hard on these birds from the decades, they have breeded them selectively and they have made the features of these birds outstanding, outstanding। the common bird of australia, australia se jab ye chala shuru hua aur phir ye taiwan mein, wahan inka itni itna in pe work nahi hua, but quantity breeding hamare yahan viewers hoti hai। इन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, आप समझते हैं नॉर्मल वर्ड्स में इन ब्रीडिंग का मतलब होता है सिबलिंग्स को पेयर करना,
वही सेम क्लच के बच्चों को आपस में पेयर कर देना, जेनेटिकली वीक कर देना बर्ड को। क्वांटिटी, हमारे यहाँ व्यूअर्स क्वालिटी पे काम नहीं होता, क्वांटिटी पे होता है पाकिस्तान में, चाहे वो बहुत ही बड़े तुर्रम खा ब्रीडर्स हो हमारे। तो क्वालिटी, वी मेंट टॉपेस्ट क्वालिटी ऑफ द बर्ड्स, जिसमें म्यूटेशंस भी ऐसी हों जो कि रेयर हों, जिसमें मॉडर्न ब्रीडर्स काम कर रहे हों, तो दैट रियली मैटर्स। तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। और अगर इससे, मेरे कहने से किसी ब्रीडर का मेरा हरगिज़ मतलब नहीं है किसी को डिसार्ड करना, बट द फैक्ट, द ग्राउंड रियलिटी इज़, इट्स व्हाट आई गिव यू गाइस, जो होती है। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास जो लेडी गोल्डियंस हैं यूरोप की, दे आर टोटली डिफरेंट नाउ इन द शेप्स, इन द साइजेस, इन द ब्लड लाइंस। तो ज़रूरत है हमारे ब्रीडर्स को ज़रूरत है कि वो अपने ब्लड लाइन को इन्हेंस करें और क्वालिटी पे काम करें, नॉट द क्वांटिटी। बुकिंग लेके, बर्ड्स की प्री बुकिंग लेकर और उनकी क्वांटिटी बना कर देने को वो अब बंद करें और क्वालिटी पे काम करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।